हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैंने आपको पीछे से दिखा रही हूँ कि आज मैंने अपना बैकग्राउंड मतलब चेंज कर दिया है। जहाँ मैं बनाती थी आज वहाँ पे ना बना के मैंने अपने मंदिर वाले रूम में बनाया है। तो आज जन्माष्टमी आ रही है तो मैं जन्माष्टमी से रिलेटेड लुक लेके आई हूँ। तो राधा कृष्ण सीरियल आप सब देखते होंगे, मेरा भी फेवरेट सीरियल है। उसमें जो मल्लिका सिंह है, आज मैं उनसे इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी है तो मुझे लगा कि राधा का लुक करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मेरी शुरुआत यूट्यूब की फर्स्ट मतलब जो राधा का मैंने लुक किया था उसी से हुई थी। नहीं देखा है तो जाके देखिए, वो भी मैंने बहुत डिफरेंट सा राधा का लुक किया था। तो आज मैं इनसे इंस्पायर्ड होकर लुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कलर अपने फेस को गुड वाइब्स सीरम से, गुड वाइब्स एसेंशियल ऑयल से पहले अच्छे से उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर दिया है अपने फेस को, उसको लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलर एसेंस का फाउंडेशन लगा रही हूँ, गोल्ड कलर एसेंस गोल्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे NY बेकी कॉन्टोर स्टिक ली है, बुलेट स्टिक होती है ना, उस तरीके से वो आती है, समय लिपस्टिक का होता है पैकेज, उस पैकेजिंग में वो आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिट मी का कॉम्पैक्ट लगा लूँगी और आप देख रहे होंगे डिफरेंस कॉन्टोर करने के बाद फेस पे कितना मतलब शेप और डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद यहाँ शुगर का पैलेट मैं ले रही हूँ और थोड़ा सा मैं और अपने फेस को कॉन्टोर कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पे आज मैं जो लगा रही हूँ शिवाना का हाइलाइटर, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगा रही हूँ। मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस को और पूरे चिक्स को मैं कवर कर रही हूँ, नोज़ को, चिक्स को, पूरा जहाँ जहाँ हाईलाइट जो एरिया होता है वहाँ वहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्राउ पाउडर ले रही हूँ जिससे कि मैं अपनी ब्राउज को सेट करूँगी। और गाइज, बहुत टाइम से मैंने ब्राउज अपनी बनवाई नहीं है, वैसे मेरी बहुत लाइट हैं ब्राउज बट अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आ गई हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंसील करूँगी क्योंकि ब्राउज पूरी वो अलग से वो एक्स्ट्रा जो बाल थे वो दिख रहे थे, एक्स्ट्रा हेयर्स, तो मैं यहाँ पर कंसील करूँगी। और अब डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट मतलब डिफरेंस हो जाता है दोनों मतलब इस तरीके से ब्राउज को सेट करने में। तो उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेकोर्की का ब्लश और थोड़ा सा लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है SFR का पैलेट, फ्लावर शो पैलेट है ये। और मैं यहाँ से जो जो शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने पहले अपने क्रीज एरिया पे एक लाइट शेड लिया था, अभी मैं एक पिंक लाइट शेड लेके उसको अप्लाई कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी लोअर लैशेज को भी कवर कर लिया, थोड़ा सा स्मोक आउट कर लिया है क्योंकि आप उनकी फ़ोटो देखेंगे तो उसमें उन्होंने आई मेकअप बहुत हल्का किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलर सेंस का काजल जिसको कि मैं अपनी लोअर और अपर दोनों ही लिड पे लगाऊंगी और इससे आँखें बहुत बड़ी और बहुत अच्छी दिखती हैं। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टेकोर्की का लाइनर लेंगे, पेन लाइनर, जिसको कि मैं एकदम पतला सा ड्रॉ करूँगी। और पहले तो मैं थोड़ा सा स्मच कर ले रही हूँ जो नीचे काजल लगाया है उसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से, क्योंकि उन्होंने काजल इसी तरीके से लगाया है तो मैंने उसको ही वैसा ही करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं पतला सा लाइनर लगा रही हूँ। और गाइस, गर्मी बहुत थी इसलिए मैं फ़ैन के एकदम आगे बैठी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं पिंक कलर का पिंक शेड ले रही हूँ लिपस्टिक का, जिसको कि मुझे जैसे उन्होंने एकदम लाइट सा लगाया है वैसे ही लगाना है। और यहाँ पे मैंने एक ग्लॉस ले लिया है, लिप ग्लॉस, उसके बाद उसको उतने से ही कलर को पूरे अपने लिप्स पे फैला लिया है। फिर यहाँ पे मैं पिंक कलर की लिप लाइनर ले रही हूँ, पिंक कलर का लिप लाइनर, और उसको मैं कॉर्नर कॉर्नर पे अच्छे से लगाऊंगी और मिडल में नहीं लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। तो वो इस तरीके का आएगा वो शेड, और कोशिश की है कि पूरा उन्हीं के तरह मैं उसको करूं। तो उनकी लिपस्टिक भी आप अगर देखेंगे तो बहुत ही लाइट है, बहुत डार्क उन्होंने नहीं की है, तो मैंने उसी तरीके से किया है यहाँ पर। और इस तरीके की लिपस्टिक अगर लगाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है, नॉर्मली भी अगर आप लगाएं तो अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ मस्कारा मेबलिन का, और फिर मैंने यहाँ पे गाइस एक्चुअली मेरा वाइट वाला जो लाइनर था वो सूख गया था तो यहाँ पे मैंने वाटर कलर है ना, वाटर कलर से लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस इस तरीके से मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने बीच की पार्टिंग कर ली है टीका लगा के, और पीछे मैंने पोनीटेल बना ली है, दोनों साइड साइड के पार्ट्स को टिक टैक पिन से कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी हेयर एक्सटेंशन और मैंने बना ली है अपनी चोटी। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, उम्मीद है आप लोग को ये लुक पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी।